हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिना गैस पे पकाए, बिना गैस जलाए, हम गैस जलाएंगे ही नहीं, बिना पकाए हम लड्डू बनाएंगे बहुत टेस्टी लाजवाब गणेश जी के भोग के लिए। तो मैंने लिया है, ये भुने चने हैं, इनका छिलका उतरा हुआ है और ये बिल्कुल फीके हैं। इसमें नमक या मसाला कुछ भी नहीं है, बड़े इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। आपको नहीं मिलते हैं तो भुना चना ले आइए, उसका छिलका हाथ से रगड़ के उतार लीजिए ऐसे करके, और फूंक मार के आप फटक करके छिलका निकाल दीजिए, तो इस तरह के चने मिल जाएंगे। मार्केट में वैसे राशन वालों के यहाँ ग्रॉसरी स्टोर्स पे बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो एक कप भर करके मैंने ये लिए हैं भुने चने, जो छिलका उतरे हुए हैं, बिना नमक के हैं, फीके हैं। इनको मैं मिक्सी में बहुत बारीक बिल्कुल पाउडर की तरह पीस लूंगी। ये फ्रेंड्स, बिल्कुल बारीक मैंने पीस लिया है। एक कप चने हैं, भुने चने, और इसमें मैं डालूंगी घी, देसी घी, बिना पिघलाए ही डाला है मैंने, और हम इतना ही डालेंगे कि ये चने इसमें सिमट जाएं। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे क्योंकि हम पका नहीं रहे हैं, ये ऑलरेडी भुने चने हैं। पूरे में हम इसको अच्छे से घी को हम मिला लेंगे इस तरह से, ऐसे हाथ से। मैंने देखी अभी दो मैंने अभी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने घी डाला है। बहुत ज़्यादा घी भी हम नहीं डालेंगे, नहीं तो मुंह में घी का टेस्ट आता रहेगा, लड्डुओं में बहुत मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए, इसको मैंने घी को मिला दिया है, ये देखिए घी अच्छे से ठीक है बिल्कुल। इससे ज़्यादा मैं अभी इसमें घी नहीं मिलाऊंगी, मुझे ज़रूरत लगेगी बांधते समय, जब हम लड्डू बांधेंगे तब मैं इसमें घी ऐड कर लूँगी। जिस समय हम गैस पे पकाते हैं उस समय हम घी डाल लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा। देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मिल्क पाउडर है ये। इसमें बड़ा अच्छा मावे का टेस्ट आएगा और बाइंडिंग भी बहुत अच्छी इसमें आएगी। अभी मुझे थोड़ा सा, देखिए दरदरा सा लग रहा है, घी कम लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच घी और मिला रही हूँ, तो ये कितना हो गया, 2 टेबलस्पून घी हो गया। अब हम इससे ज़्यादा घी इसमें नहीं डालेंगे, है ना फ्रेंड्स। अब मैं इसको अच्छे से इसमें मिला रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। क्योंकि मैंने मिल्क पाउडर डाला है तो इसमें थोड़ा सा हमें मावा का टेस्ट देना पड़ेगा, जिससे मावा का टेस्ट आए इसमें। बहुत ही अच्छे टेस्ट आता है इसमें लड्डुओं में। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ, देखिए थोड़े से खरबूजे के बीज, तकरीबन 1 टेबलस्पून खरबूजा, तरबूज आप मिक्स बीज ले सकते हैं, और मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी पिसी इलायची, तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने पिसी इलायची ली है, इससे ज़्यादा मैं नहीं डाल रही हूँ। आपको लगता है ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए ये बड़े अच्छा सा हो रहा है, एकदम चिकना होने लगा है। इसको हाथ से मैं खूब मल रही हूँ घी, जिससे इसमें पूरा एक सा हो जाए। जितना हम इसमें मलेंगे उतना ही ये घी इसमें छूटेगा, और ये देखिए थोड़ी देर में ही ये बड़ा अच्छा सा चिकना चिकना सा लगने लगेगा। अभी देखिए अभी इसकी बाइंडिंग में कितना फ़र्क पड़ गया है, देखिए। इसलिए मैंने आपको बोला था कि अब मैं 2 टेबलस्पून से ज़्यादा घी इसमें नहीं डालूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बूरा। बूरा इसमें देखिए, एक कप मैंने चने लिए थे तो आधा कप बूरा तो इसमें ज़रूर पड़ेगा, और आप इसमें ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट से थोड़ा मीठा इसमें
ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 3/4 कप बूरा इसमें ऐड किया है और अब मैं इसको अच्छे से ऐसे मिला लूँगी जिससे बूरा इसमें एक सार हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से ये बूरा इसमें मिल गया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूँगी उतना कि ये बूरा बिल्कुल पानी जैसा ना होने लगे और इसकी बाइंडिंग मिल्क पाउडर के साथ तैयार हो जाए। मैंने अभी इसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून दूध डाला है, मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं इसमें दूध और ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा दूध हम इसमें और डालेंगे, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है, देखिए बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है इसमें। थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध और डाल दिया है। आप दूध देख लीजिए उस समय कि कितना ज़रूरत है, इतना भी मत डाल दीजिएगा कि ये बूरा बिल्कुल पतला होने लगे। आपको बस इतना ही करना है कि लड्डू की बाइंडिंग हो जाए। घी आप ज़्यादा डालकर बाइंडिंग करेंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती क्योंकि फिर वो खाने में वो टेस्ट नहीं आता जो क्योंकि हम इसमें कुकिंग नहीं कर रहे हैं। इसलिए देखिए बहुत बढ़िया सा हो गया है ये। अब इसमें मैं दूध और नहीं ऐड करूँगी। अब देखिए कितने अच्छे से लड्डू बन रहे हैं, देखिए है ना। अब हम क्या करेंगे, ये स्पून लेंगे, इस स्पून से मैं मेजरमेंट लूँगी इस तरह से, ऐसे दबा करके ऐसे, और इस तरह से मैं ले करके और ये लड्डू ऐसे बांध दूंगी जिससे हमारा नाप एक ही रहे, है ना। इलाहाबाद में हम बहुत छोटे छोटे थे तो मून लाइट चढ़ाया था, वहाँ से हमारे पापा एक देसी हलवाई था, बहुत ही अच्छे वो मलाई के लड्डू बनाता था और इस तरह से देसी लड्डू बनाता था बूरे के। तो वो लड्डू ना ऐसे गोल नहीं होते थे, उसके थोड़े लड्डू से हाथ के सांचे होते हैं ना टेढ़े से, जैसे ऐसे ऐसे, ये टेढ़े से ऐसे ऐसे लड्डू होते थे। बड़ा मज़ा आता था खाने में और मतलब उसकी जो मिठास होती थी बूरे की ना वो अलग ही पता चलती थी, बहुत मीठे बढ़िया लड्डू होते थे। देखिए ऐसे आप लड्डू बना लीजिए एक से, और मैं ये बना करके आपको दिखाती हूँ। लड्डू हम इस तरह से ऐसे ही मैं ऐसे सांचे में इस तरह से दबा करके लूँगी, देखिए इस तरह से नाप करके हम लेंगे पूरा ऐसे कि बस बिल्कुल हमारा नाप का ये एक से लड्डू जिससे बने हैं ना। आप चाहें तो स्पून से भी लड्डू बना सकते हैं, आप हाथ से मत बनाइए। ये देखिए इस तरह से आप इस तरह से लड्डू जैसे ये है ना, ये इस तरह से आप इस तरह से भी लड्डू बना करके ऐसे रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह से ही बनाना बता रही हूँ। एक ही नाप के लड्डू बनेंगे, मेजरमेंट एक सा ही होगा, इसलिए मैंने ये स्पून लिया है। देखिए फ्रेंड्स, वो जो मैंने आपको जितना दिखाया है लड्डू तैयार हैं, 24 लड्डू बने हैं छोटे छोटे। तो ये बिना गैस जलाए, बिना कोई कुकिंग किए, बिना पकाए आपके इंस्टेंट लड्डू, क्विक लड्डू तैयार हैं भोग के लिए। आप कभी भी ये बना करके भोग लगा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आप ज़रूर ट्राई करिए। लड्डू बहुत टेस्टी होते हैं, लाजवाब होते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये घी भी कम है, तो इसलिए ये आपको नुकसान का आपको लगता है भाई घी ज़्यादा है लड्डुओं में, बहुत घी नहीं लेना, तो ये हेल्थ के लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है, तो आप ये आराम से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स अनूठी में विजिट करने के लिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, उससे आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और अपडेशन आता रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।